क्वेश्चन नंबर 15 है इंटीग्रेशन टेन क्यूब 2x sec 2x टेन क्यूब 2x sec 2x, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। वन मिनट टेन क्यूब 2x sec 2x, इसमें ट्रिक क्या है, क्योंकि sec 2x आ रहा है तो यहां पर एक पावर बाहर निकाल लो 10 और इसको ऐसे लिख दो sec 2x tan 2x, sec 2x tan 2x। अब ये sec x tan x किसका डिफरेंशिएशन होता है, 10x का नहीं होता, sec x का होता, फिर sec 10 स्क्वायर 2x को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो sec स्क्वायर 2x माइनस 1 sec 2x tan 2x, sec स्क्वायर 2x माइनस 1 sec 2x tan 2x। हम sec 2x को t मान लो, लेट sec 2x इक्वल टू t, तो sec का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, तो sec 2x tan 2x और 2x का 2 dx इक्वल टू d, ये आ गया आपका sec 2x tan 2x dx इक्वल टू dt by t, dx इक्वल टू dt by t, 1 by 2 बाहर आ गया, या जा t स्क्वायर माइनस 1 dt, t स्क्वायर माइनस 1 dt, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब by 3, t क्यूब by 3 माइनस t, आ गया t क्यूब by 6 माइनस t by 2, और t की वैल्यू रख दो sec 2x, तो sec क्यूब 2x डिवाइड बाय 6 माइनस sec 2x डिवाइड बाय 2 और प्लस, ये इसका आंसर है। इस तरह से करेंगे, लिखो अभी तो जो करवा रहा हूं करो। लिख लिया इसको, तो लिखना बेटा पहले क्या कर रहा है, लिखो भाई जल्दी लिखो। नेक्स्ट tan x की पावर 4 dx, tan x की पावर 4 dx नहीं, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x 2x, तो tan स्क्वायर x को हम लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1,
sec square minus 1 tan square x dx. अब अलग अलग कर लो, sec स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, sec स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स. अब इसका तो हो जाएगा इंटीग्रेशन क्योंकि टेन एक्स का डेरिवेटिव ये है. इसको अकेला आ गया, अकेला आने पे क्या बोला था मैंने, sec स्क्वायर अकेला फिर अकेला टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा तो आप लिखोगे sec स्क्वायर एक्स माइनस वन. ये आ गया sec स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स. अब इधर वाले टेन एक्स को टी मान लो, टेन एक्स इक्वल टू टी. Let tan x equal to t. या गया sec square x dx equal to dt. E square dt minus sec square x minus 1 dx. T square का इंटीग्रेशन हो गया t cube by 3. ये हो गया tan x 1 का x. T की वैल्यू रख दो, टेन क्यूब एक्स डिवाइड बाई थ्री माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस सी. ये इसका आंसर है, लिख लीजिए. एक सेकंड, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए.
साइन इनवर्स कोसेक्स, साइन इनवर्स कोसेक्स। कोसेक्स को क्या लिखोगे आप? साइन पाई बाय टू माइनस एक्स। कोसेक्स को हम लिखेंगे साइन पाई बाय टू माइनस एक्स। साइन पाई बाय टू माइनस एक्स, साइन इनवर्स साइन हट गया, बचा क्या? पाई बाय टू माइनस एक्स। पाई बाय टू का इंटीग्रेशन पाई बाय टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, पाई बाय टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर x e की पावर x, कोस स्क्वायर x e की पावर x। नाउ क्या करोगे सोचो, कोस स्क्वायर को टी मानने से कोई फायदा ही नहीं, उससे क्या फायदा होगा आपको, उससे क्या दिक्कत आ रही है आपको, तो दिक्कत इससे आ रही है, इसका मतलब अंदर एंगल से दिक्कत आ रही है आपको, एंगल का आपको एंगल को टी मान लो, लेट एक्स ई की पावर एक्स इक्वल टू टी। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, एक्स का डेरिवेटिव वन और एक्स ई की पावर एक्स, e की पावर x कॉमन आ गया, अब रख दीजिए वापस, dt अपॉन cos स्क्वायर t, cos स्क्वायर t ऊपर गया sec स्क्वायर t dt, sec स्क्वायर t का tan t, और t की वैल्यू x e की पावर x, x e की पावर x प्लस इस तरह से हो, tan t और t की वैल्यू x e की पावर x प्लस। लिख लीजिए next dx upon cos x minus a cos x minus b। अब ये ट्रिकी प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखना, dx upon cos x minus a cos x minus b, अब देखिए इधर
नीचे दोनों कोस आ रहे हैं, तो दोनों कोस कोस के फॉर्मूले में आते हैं। जैसे कोस ए प्लस बी लिखो तो कोस ए प्लस बी होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो दोनों कोस किसके फॉर्मूले में आते हैं? कोस के। हमें कोस का फॉर्मूला नहीं बनाना। जो दोनों आते हैं मतलब आपका यदि दोनों कोस आ रहे हैं नीचे और दोनों साइन आ रहे हैं तो आपको कोस का फॉर्मूला नहीं बनाना, तो फिर हमें किसका बनाना है? साइन का बनाना। और यदि एक साइन एक कोस आना है तो फिर किसका बनाना है? कोस का बनाना। कैसे? इसको मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? बोलो, x माइनस ए को x माइनस बी से सब्ट्रैक्ट करो क्या आ रहा है? बी माइनस ए। साइन बी माइनस ए क्या एक्चुअल में? कॉन्स्टेंट। तो मैंने कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, वो मैं कर सकता हूं किसी भी कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट, इस कॉन्स्टेंट से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। कॉन्स्टेंट से कर सकता हूँ, वेरिएबल से नहीं करना। वेरिएबल से करना है तो फिर अंदर रखना पड़ेगा उसको। तो मैंने साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई, अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगूंगा। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन। अब सेपरेट कर लेंगे तो ये आ गया वन अपॉन साइन बी माइनस, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? टेन एक्स माइनस माइनस टेन एक्स माइनस, टेन एक्स माइनस है माइनस टेन एक्स माइनस, टेन का इंटीग्रेशन। बेटा फालतू की बातें कर रहा है, फॉर्मूले याद करो नहीं तो भी पिटेगा। फिर sec स्क्वायर एक्स क्या डिफरेंशिएशन होता है? इंटीग्रेशन क्यों बोल रहे हो? बोलो भाई, टेन का इंटीग्रेशन टेन एक्स, पेपर पढ़ाया देख ले, याद तो करोगे नहीं तुम। क्या लिख रहा है? टेन का इंटीग्रेशन दिया। आप भी बोलो भाई, आप भी क्लास में हो, आप अलग से नहीं हो। टेन का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कोस एक्स, तो ये आ गया वन अपॉन साइन बी माइनस ए माइनस लॉग कोस एक्स माइनस ए माइनस माइनस प्लस लॉग कोस एक्स माइनस बी। तो ये आ गया लॉग ए माइनस लॉग बी। तो लॉग ए अपॉन ये लॉग ए माइनस लॉग बी मतलब लॉग ए अपॉन बी, दिस इज द फाइनल आंसर। ये इसका आंसर लिखो, इसको अभी और करवा दूंगा इसी टाइप का।
लिख लिया क्या? चलिए लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए अपॉन बी। जैसे तुम क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहे हो cos 2x cos 4x cos 6x, तो कल क्या बोला था हमने? 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 cos 4x cos 2x और cos 6x dx। 2 cos से cos भी होता है, क्या होता भाई क्या होता है? कुछ भी बोल रहे जो मर्जी है। बेटा तू पिटने के काम कर रहा है, सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ और अच्छा नहीं लगेगा तुझे भी और मुझे भी नहीं लगेगा, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ तेरे से। cos a प्लस बी कितना हो गया? 6x और प्लस cos a माइनस बी कितना हो गया? 2x। मल्टीप्लाई कर लो, या गया आपका 1 बाई 2 कोस स्क्वायर 6x प्लस कोस 6x कोस 2x, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ये हो गया आपका 1 बाई 4 2 cos square 6x plus 2 cos 6x cos 2x, तो 2 cos square 6x को मैं लिखूंगा, क्या लिखेंगे? 1 plus cos 2x, ये होता है, और ये हो गया cos a plus b plus cos a माइनस बी, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। वन का इंडिकेशन एक्स, कोस का इंडिकेशन साइन 12x बाई 12 प्लस साइन 8x बाई 8 और प्लस साइन 4x बाई 4 प्लस सी, लिख लीजिए ये इसका इंटीग्रेशन है। चलिए नेक्स्ट,
sin x की पावर 8 माइनस cos x की पावर 8 अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, sin x की पावर 8 माइनस cos x की पावर 8 अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब देखो इसको किस तरह से करेंगे समझो। sin x की पावर 8 को मैं लिख दूंगा sin x की पावर sin माइनस cos 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। साइन एक्स की पावर 4 प्लस कोस एक्स की पावर 4, साइन एक्स की पावर 4 माइनस कोस एक्स की पावर 4 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इसको इस तरह से लिखेंगे। और नहीं इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। नाउ दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a plus b का whole square minus 2ab, तो इसकी जगह तो ये आ गया, तो a plus b का whole square minus 2ab। ये तो हो गया पहले वाले, और दूसरे वाले का a plus b और a minus b, तो देखो ये हो गया sin square x plus cos square x साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ये हो गया 1, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, पता है किसी को? अच्छा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस 2x, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस 2x। नाउ माइनस कोस 2x का इंटीग्रेशन माइनस साइन 2x बाय प्लस माइनस साइन 2x बाय 2 प्लस, ये इसका इंटीग्रेशन होगा।
इसका सेंटर तो कनोता है, तो 6 किलोमीटर ही तो है चांदपुल से। नहीं, मैंने, हाँ मैंने उसमें देखा था, तो 6 किलोमीटर बताया चांदपुल से। नहीं, नियर कनोता, उसमें उसमें लिखा हुआ है, मैंने भेज दिया फैमिली ग्रुप पे उसमें दे। ठीक है। एडमिट कार्ड, ठीक है, ठीक। क्लियर है ये? तो इस तरह से करेंगे स्क्रॉल। तो अभी एनसीईआरटी के तो हो गए आपके, अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चालू कर रहा हूँ, जो तो एनसीईआरटी तो हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सब चालू कर, देखो। वैसे जनरल बोल देता हूँ, सपोज ऐसा आ गया, साइन एक्स डिग्री का इंटीग्रेशन करना है, तो साइन एक्स डिग्री का ऐसा नहीं है माइनस कोस एक्स डिग्री आंसर हो जाए। डिग्री को हमेशा किसमें कन्वर्ट करता है? रेडियन। तो ये आ गया हमारा साइन पाई बाय 180 इंटू एक्स, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, अपॉन डिवाइड बाय जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड होगा। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? पाई बाय 180, तो उससे डिवाइड होगा। अब ये आ गया आपका माइनस 180 अपॉन पाई कोस एक्स, ये इसका आंसर लिख लीजिए, माइनस 180 अपॉन पाई कोस एक्स डिग्री। नेक्स्ट लिखिए, कोस एक्स माइनस कोस टू एक्स, कोस एक्स माइनस कोस टू एक्स, अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, कोस एक्स माइनस कोस टू एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। क्या करना पड़ेगा सोचो, 1 माइनस कोस एक्स का बेटे, एक जगह फॉर्मूले लगने से कुछ नहीं होता। आप ये देखो, ये एक्स है, ये एक्स है, ये टू एक्स है, तो दिक्कत कौन कर रहा है मुझे? 2x, तो इससे डबल एंगल को सिंगल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो cos 2x का cos x वाला फॉर्मूला बताओ, 2 cos स्क्वायर x माइनस, आई बात समझ? ये हमने इसमें फॉर्मूला लगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस, ओपन कर लो, 2 cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस cos x। क्या कॉमन आया ऊपर से? माइनस कॉमन लो पहले, ताकि फैक्टर करेंगे हम उसके, 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x माइनस 1
अपॉन वन माइनस कोस सिक्स, फैक्टर करो, टू के फैक्टर क्या होंगे, और टू ही चाहिए, ये टू कोस सिक्स, टू कोस सिक्स ना सर, ठीक है, टू के फैक्टर करें हम, तो ये आ गया आपका, ये माइनस को नीचे मल्टीप्लाई कर दो आप, तो टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस टू कोस एक्स प्लस कोस एक्स माइनस वन, और नीचे हो गया कोस एक्स माइनस वन, कॉमन लो इन दोनों में, क्या कोस एक्स टू कोस एक्स को बना लो, तो अंदर बचा कोस एक्स माइनस वन, और यहां वन कोस एक्स माइनस, ये काम करना पड़ेगा तब जाके आएगा इसका, तो फैक्टर हो गए आपके टू कोस एक्स प्लस वन कोस एक्स माइनस वन अपॉन कोस एक्स, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कोस एक्स का इंटीग्रेशन और वन का, लिख लीजिए, इतना करना पड़ेगा, ये मेथड है इसका। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें ये ट्रिक लगी है भाई आपको, जो डबल एंगल है उसको कोस एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा और उसके बाद आगे सोल्व होगा, उसके बिना सोल्व नहीं होगा। अब जैसे ये आएगा वन प्लस कोस फोर एक्स, वन प्लस कोस फोर एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस टेन एक्स, तो दो का पहला काम तो क्या करना पड़ेगा, इस टेन एक्स को क्या लिखना पड़ेगा आपको, बेटा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन तो तब लिखते हैं ना जब आपको ऊपर यदि आपका टेन स्क्वायर एक्स आता था, कोसो साइन में कन्वर्ट करने पड़ेंगे सब कोस, तो वन प्लस कोस, ये टेन स्क्वायर एक्स अकेला है कि ऊपर टेन स्क्वायर एक्स जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आप कैसे लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स, कोस फोर एक्स
वो तो टेन एक्स है, ये तो इसको साइन और कोस में चेंज करना पड़ेगा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, एलसीएम ले लो, कोस एक्स ऊपर आ गया, वन प्लस कोस फोर एक्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, लिख दिया जब भी सोचू क्या ये है भाई, कोटेक्स माइनस टेन एक्स, चलो कोई बात नहीं, वन प्लस कोस फोर एक्स साइन एक्स कोस एक्स एलसीएम आ गया, तो ये आ गया आपका कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अच्छा और वन प्लस कोस फोर एक्स को क्या लिखोगे आप फॉर्मूले से, टू कोस स्क्वायर टू एक्स, टू कोस स्क्वायर टू एक्स, ये आ गया आपका कोस टू एक्स, और ये हो गया ऊपर ले जाके इसको साइन एक्स कोस एक्स, एक कोस टू एक्स है, कोस टू एक्स क्या हो गया, तो देखो इधर कोस टू एक्स और इसको टू साइन एक्स कोस एक्स लिख दो, क्या होता है टू साइन एक्स कोस एक्स, टू साइन एक्स कोस एक्स साइन टू एक्स, तो ये आ गया आपका साइन टू एक्स, फिर इसको टू से फिर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये आ गया टू साइन टू एक्स कोस टू एक्स, व्हाट इज टू साइन ए कोस ए साइन टू, बार बार क्यों इतना सोच रही है, साइन टू एक्स क्या होता है टू साइन एक्स कोस एक्स, तो 2 sin 2x cos 2x क्या हो गया sin 4x, now what is the indication of sin 4x minus cos 4x by 4, तो आंसर minus cos 4x by 8 plus minus cos 4x by 4, ये 8 plus ये इसका आंसर, क्लियर, लिख लिया क्या क्या किया समझ में आ गया, वन प्लस कोस फोर एक्स होता है टू कोस स्क्वायर टू एक्स,
ये साइन एक्स कॉस एक्स ऊपर चला गया, साइन टू एक्स हो गया, और बाकी टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सोल्व करेंगे। नेक्स्ट की अब जैसे आपका आ गया साइन फोर एक्स अपॉन साइन टू एक्स, साइन फोर एक्स अपॉन साइन टू एक्स, फोर को मैं लिख दूंगा साइन टू इंटू टू एक्स, तो ये हो गया साइन टू एक्स, साइन टू ए। तो क्या होता है साइन टू ए, टू साइन ए कोस ए। साइन टू एक्स है साइन टू एक्स, कोस टू एक्स का इंटीग्रेशन साइन टू एक्स अपॉन, क्या गया आंसर साइन टू एक्स प्लस, ये इसका आंसर। क्लियर है ये? नेक्स्ट साइन टू एक्स अपॉन साइन टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, साइन टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स का एक मिनट डिफरेंशिएशन करना रफ साइन स्क्वायर एक्स टू साइन एक्स कोस एक्स, टू साइन एक्स कोस एक्स मतलब साइन टू एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स का माइनस साइन मतलब टू साइन एक्स कोस एक्स, उसमें भी आ गया। तो कुल मिला के बात है इन दोनों के डिफरेंस में साइन टू एक्स आएगा कि नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे नीचे वाली चीज को टी मान लो आ जाएगा, क्योंकि साइन टू एक्स चाहिए मुझे और कॉमन आ रहा है, तो मैंने मान लिया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स को हमने क्या मान लिया टी मान लिया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव टू साइन एक्स कोस एक्स, बी स्क्वायर टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी टी, dx इक्वल टू डी, क्या कॉमन आ रहा है टू साइन एक्स कोस एक्स कॉमन आ, तो अंदर बचा ए स्क्वायर माइनस टू साइन एक्स कोस एक्स, क्या होता है dx इक्वल टू डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रख दीजिए भाई उसकी जगह, तो वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी टी अपॉन टी, वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी, लॉग टी और टी की वैल्यू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स
प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस सी, लिख लीजिए ये इसका आंसर। अब एनसीईआरटी में एक या दो क्वेश्चन है लाओ दिया, वो आप कर लो। एक्सरसाइज 7.3, एक तो एग्जांपल्स, एग्जांपल 7 के तीनों पार्ट करने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक्सरसाइज 7.3 इसका क्वेश्चन नंबर एक ही बचा है बस, 23, बाकी करवा दिए सर बस यही। आइए साहब, आज के